प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और अमित शाह का संगठनात्मक कौशल, ये जुगलबंदी दशकों की भारतीय राजनीति पर भारी पड़ी। जिन बातों को पहले सार्वजनिक जीवन वाली राजनीति में बोलना या सोचना भी वोट बैंक के लिहाज से वर्जित होता था, मोदी शाह की जोड़ी ने वो सारी बातें तोड़ दी। तो मालूम पड़े आतंकवाद के साथ कौन है और खिलाफ कौन। कप्तान ने भरोसा किया, मैं अमित अनिल चंद्र का ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, तो उप कप्तान ने आगे बढ़कर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के। डिवीजन जरूर होना चाहिए, देश को मालूम पड़े आतंकवाद के साथ कौन है और खिलाफ कौन। एसपीजी का सुरक्षा कवच केवल और केवल प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री होने के हिस्से में उनको 5 साल तक उनके परिवार जो उनके साथ रहता है उन्हीं को मिलेगा। वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला एक बिल। विपक्ष के दिग्गज हैरान है। उनको तो पास हो गया, तो सर्वविदित है, पर जहां तक नैतिकता की बात है वो विपक्ष के पास है। सरकार के पास नंबर है, चाहे जो भी जिस तरह सत्ता का उपयोग भी है, उनका दल भी बड़ा है। विरोध के स्वर परेशान है। हमारा हाल आप ये करके रखी है कि तूफान में किश्ती में सासुबियत की फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं, मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने आप को हासिल करेंगे। किसने सोचा था कि बीते 70-72 साल से जो मुद्दे किताबों में, सरकारी रजिस्टर्स में, सेमिनार्स में, विमर्शों में, राष्ट्रीय बहसों में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में समस्या के तौर पर पढ़े सुने और कहे जाते रहेंगे, वो मुद्दे चंद दिनों में बीता हुआ कल बन जाएंगे। जिन मुद्दों को सरकारें बिजली का नंगा तार समझकर छूने से भी कतराती थी, वो मुद्दे घंटों में निपट जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों को उनकी डिक्शनरी में कभी भी जनहित शब्द ही नहीं है। उन्होंने हमेशा स्वहित के लिए, परिवार हित के लिए काम किया। इनकी राजनीति रही है लूटो और लटकाओ। यही कारण है कि भाइयों बहनों, काले सोने पर बैठा ये धनबाद और ये पूरा इलाका संपदा से जितना समृद्ध है उतनी ही अधिक गरीबी यहां बनी रही। जो विस्थापित थे, जो पीड़ित थे बंटवारे के बाद, क्या संविधान निर्माताओं का ये सम्मान करना है अगर हम ये कथन करें आज 2019 में 72 साल के बाद कि उनको कोई समझ नहीं थी, उन्होंने इस पे गौर नहीं किया था, कुछ नहीं सोचा था, ये गलत बात। हर फैसले के बाद और हर फैसले से पहले देश जश्न और विरोध के बीच की बारीक लकीर पर बार बार आ खड़ा हुआ। लेकिन अमित अनिल चंद्र शाह को न रुकना था न रुके। गुजरात के गांधीनगर से सांसद का चुनाव लड़ने वाले अमित शाह की भूमिका मोदी 2.0 में बड़ी होगी या तय था, लेकिन बतौर गृह मंत्री इतनी बड़ी होगी कि 70 साल के इतिहास की पूरी भूमिका, प्रस्तावना और कहानी ही सिमटने लगेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था।